जब से हमने होस्ट संभाला है तब से अखबारों और टीवी चैनलों में हमें सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है और वो ये कि डॉलर के मुकाबले रुपए के दामों में रिकॉर्ड गिरावट। आज एक बार फिर से हेडलाइन वही है कि डॉलर के मुकाबले रुपए के दामों में ऐतिहासिक गिरावट हुई है, यानी एक डॉलर के मुकाबले रुपए अब 80 के पार जा पहुंचा है। लेकिन डॉलर के मुकाबले ये रुपए आखिर घटता या बढ़ता कैसे है और क्या इसमें किसी सरकार का हाथ होता है? और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल कि डॉलर के मुकाबले रुपए के घटने या बढ़ने से हमें आखिर क्या फर्क पड़ता है, आज बात करेंगे इन्हीं सारे सवालों के जवाबों पर। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। अक्सर डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत को देश की इज्जत के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन क्या यह सही है? आजादी के बाद भारत सरकार ने लंबे समय तक कोशिश की कि रुपए की कीमत को मजबूत रखा जा सके, लेकिन उन देशों का क्या जिन्होंने खुद अपनी करेंसी की कीमत घटा दी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि करेंसी की कीमत घटाने की वजह से उन देशों की आर्थिक हालत न सिर्फ बेहतर हुई बल्कि दुनिया की चुनिंदा बेहतर अर्थव्यवस्थाओं में वो देश शामिल भी हो गए। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत आखिर तय कैसे होती है। किसी भी देश की करेंसी की कीमत अर्थव्यवस्था की बेसिक प्रिंसिपल डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड होती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी उसकी कीमत भी ज्यादा होगी, जिस करेंसी की डिमांड कम होगी उसकी कीमत भी कम होगी। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। सरकार करेंसी के रेट को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं कर सकती। करेंसी की कीमत को तय करने का दूसरा एक तरीका और है, जिसे पेग्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं, यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जिसमें एक देश की सरकार किसी दूसरे देश के मुकाबले अपने देश की करेंसी की कीमत को फिक्स कर देती है। ये आमतौर पर व्यापार बढ़ाने और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल नेपाल है। नेपाल भारत के साथ एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को फॉलो करता है, इसलिए एक भारतीय रुपए की कीमत नेपाल में 1.6 नेपाली रुपए होती है। नेपाल के अलावा मिडिल ईस्ट के कई देशों में भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ही अपनाया जाता है। अब सवाल यह है कि किसी करेंसी की डिमांड या सप्लाई कम या ज्यादा कैसे होती है। डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा कारोबार डॉलर में ही होता है। हम जो सामान विदेश से मंगवाते हैं उसके बदले में हमें डॉलर देना पड़ता है और जब हम बेचते हैं तो हमें डॉलर मिलता है। अभी जो हालात हैं उसमें हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा डॉलर दूसरे देशों को दे रहे हैं और हमें कम डॉलर वापस मिल रहा है। आसान भाषा में कहें तो दुनिया को हम सामान कम बेच रहे हैं और खरीद ज़्यादा रहे हैं। अब ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो फॉरेन एक्सचेंज एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार है जहां दुनिया भर की मुद्राएं यानी करेंसीज खरीदी और बेची जाती हैं। ये बाजार डिसेंट्रलाइज्ड होता है। यहां एक निश्चित रेट पर एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी खरीदी या बेची जाती है। दोनों करेंसी जिस भाव पर खरीदी या बेची जाती हैं उसे ही एक्सचेंज रेट कहा जाता है। ये एक्सचेंज रेट मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। अब हम दो और टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। पहला है करेंसी का डेप्रिसिएशन और दूसरा है करेंसी का डीवैल्यूएशन। इन दोनों में क्या फर्क होता है, चलिए समझते हैं। करेंसी का डेप्रिसिएशन तब होता है जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर करेंसी की कीमत घटती है। करेंसी का डीवैल्यूएशन तब होता है जब कोई देश जानबूझकर अपने देश की करेंसी की कीमत को घटाता है। उदाहरण के तौर पर चीन ने अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट किया था। साल 2015 में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपनी मुद्रा चीनी युआन रेनमिनबी की कीमत घटा दी थी। मगर सवाल यह है कि चीन ने आखिर ऐसा क्यों किया? दरअसल करेंसी की कीमत घटाने से आप विदेश में ज्यादा सामान बेच सकते हैं, यानी आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा ज्यादा आएगी। आसान भाषा में समझें तो एक किलो चीनी का दाम अगर 40 रुपए है तो पहले एक डॉलर में 75 रुपए थे तो अब 80 रुपए हैं, यानी अब आप एक डॉलर में पूरे 2 किलो चीनी खरीद सकते हैं। यानी रुपए की कीमत गिरने से विदेशियों को भारत में बना सामान सस्ता पड़ेगा,
जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा और देश में विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर फिलहाल डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत क्यों बढ़ रही है। डॉलर की कीमत सिर्फ रुपए के मुकाबले ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सभी करेंसीज के मुकाबले बढ़ रही है। अगर आप दुनिया के टॉप अर्थव्यवस्था वाले देशों से तुलना करेंगे तो देखेंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत उतनी नहीं गिरी है जितनी बाकी देशों की गिरी है। यूरो डॉलर के मुकाबले पिछले 20 साल के अपने मिनिमम स्तर पर है। कुछ दिनों पहले एक यूरो की कीमत लगभग $1 हो गई थी, जो कि 2009 के आसपास $1.5 थी। साल 2022 के पहले 6 महीने में ही यूरो की कीमत डॉलर के मुकाबले 11%, येन की कीमत 19% और पाउंड की कीमत 13% गिरी है। इसी समय में भारतीय रुपए में करीब 6% की गिरावट आई है, यानी भारतीय रुपया यूरो, पाउंड और येन के मुकाबले कम गिरा है। लेकिन डॉलर आखिर मजबूत क्यों हो रहा है? रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में अस्थिरता यानी इनस्टेबिलिटी आई है। डिमांड और सप्लाई की चेन बिगड़ गई है। इन्वेस्टर्स ने डर की वजह से दुनिया भर के बाजारों से पैसा निकाला और सुरक्षित जगहों पर निवेश किया। अमेरिकी निवेशकों ने भी भारत, यूरोप और दुनिया के बाकी हिस्सों से पैसे को निकाल लिया है। दूसरी तरफ अमेरिका महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ऐतिहासिक रूप से ब्याज दरें बढ़ा रहा है। फेडरल रिजर्व ने कहा था कि वो 3 तिमाही में ब्याज दरें 1.5% से 1.75% तक बढ़ाएगा। ब्याज दर बढ़ने की वजह से भी निवेशक पैसा वापस अमेरिका में निवेश कर रहे हैं। 2020 के आर्थिक मंदी के समय अमेरिका ने लोगों के खाते में सीधे कैश ट्रांसफर किया था। यह पैसा अमेरिकी लोगों ने दुनिया के बाकी देशों में निवेश भी किया था। अब ये पैसा भी वापस अमेरिका लौट रहा है। इसका मतलब ये है कि वैश्विक निवेशकों यानी ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इस समय अपने निवेश के लिए अमेरिका ही सबसे सुरक्षित जगह लग रही है। यूरो की तरह ही रुपये के लिए भी ये अच्छी खबर नहीं है। यूरो के मुकाबले रुपये की हालत काफी बेहतर है और उसमें लगातार बढ़ोतरी ही देखी जा रही है। 2022 की शुरुआत में 1 यूरो 90 रुपए के आसपास था और इस समय 81 रुपए के आसपास है। लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि अगर यूरो भी इसी तरह गिरता रहा तो ये रुपए के लिए भी ठीक नहीं होगा। यूरोप के भारत और दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ गहरे व्यापारिक संबंध है, जिसकी वजह से आशंका है कि यूरो की बिगड़ती हालत का असर रुपए और दूसरी करेंसीज पर भी पड़ेगा। कुल मिलाकर बात करें तो किसी करेंसी का किसी दूसरी करेंसी से कंपेयर करके इसे इज्जत के साथ जोड़ना गलत है, क्योंकि करेंसीज के दाम गिरते या बढ़ते रहते हैं और इसके पीछे अलग अलग कारण और अलग अलग मकसद होते हैं, जिससे कभी तो देश को फायदा होता है तो कभी नुकसान। अगर आपका करेंसीज को लेके या उनके घटने या बढ़ने को लेकर कोई और सवाल है तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC24 के YouTube चैनल खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।